हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो ये है हमारा बेडरूम, तो आप लोग देख सकते हो। तो थोड़ी देर पहले ही हम लोग उठे हैं, तो उठने के बाद चाय वगैरह पी लिए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बेडरूम क्लीनिंग करने के लिए। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ बेडरूम क्लीनिंग शेयर किया जाए। तो आप लोग देख सकते हो पूरा बेडरूम गंदा पड़ा है। तो इधर शोकेस के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो पूरा गंदा पड़ा है। तो अभी मैं क्लीनिंग करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ मैं अपना बेडरूम क्लीनिंग। तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक। तो इधर मैं आ गई हूँ बेडरूम क्लीन करने के लिए। जो जितना टेडी वेयर है सब टेडी वेयर को मैं छोटा सा टी टेबल में रख दी हूँ। और उसके बाद जो मच्छरदानी है मच्छरदानी को खोल के अंदर वाले रूम में रखूँगी। उसके बाद फिर बेड को मैं क्लीन करूँगी। तो अभी मैं सारा टेडी बेयर को टेबल में रख दूंगी। तकिया को भी टेबल में रख दी हूँ ताकि मेरे को बेडशीट झाड़ने में साफ़ करने में आसानी हो। तो आप लोगों को पता ही होगा शायद बेडशीट में पूरा धूल धूल हो जाता है। तो मच्छरदानी को मैं अंदर वाले रूम में रख के आ गई हूँ। और ये जो कंबल है कंबल को सोफ़ा में रखूँगी और तकिया को भी सोफ़ा में रख के उसके बाद मैं बेडशीट को झाड़ूंगी। एक सोफ़ा हमारे रूम में है और बड़ा वाला और एक छोटा सा सोफ़ा वो मम्मी वाले रूम में रखे हैं, क्योंकि हमारे रूम में जगह नहीं है, जगह कम है। तो इसी वजह से बड़े वाले सोफ़ा और एक छोटा वाला सोफ़ा मम्मी जी के रूम में है और ये छोटा वाला सोफ़ा हमारे रूम में रखे हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हो मैं बेडशीट को झाड़ ली हूँ। उसके बाद अभी मैं बिछा रही हूँ। तो झाड़ने के बाद बिछाने में अच्छा लगता है, लेकिन बेडशीट के ऊपर ही अगर किसी कपड़े से झाड़ो तो उतना धूल नहीं जाता है। तो इसी वजह से सारा बेडशीट को उठा के झाड़ के फिर मैं बिछाती हूँ और जितना धूल होता है अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इधर आप लोग देख सकते हो बेडशीट को बिछा दी हूँ और अच्छे से साइड से बेडशीट को अंदर तक कर दूंगी ताकि बेडशीट फिर से मतलब कि ना निकले, अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं बेडशीट को सेट कर दी हूँ, तकिया को भी अच्छे से मिला के रख दी हूँ। अभी मैं जो कंबल है कंबल को भी मैं मिला के रख दूंगी और बेडशीट यानी कि बेड हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। और कंबल को भी मैं फोल्ड करके मिला के तकिया के पास ही रखूँगी। तो इधर आप लोग देख सकते हो बेड मेरा क्लीन हो गया है। अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ, जो टेबल है टेबल को सेट करके उस जगह टेबल वाले जगह में मैं झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि उधर पूरा धूल धूल हो गया है। झाड़ू लगा लेने के बाद जो छोटा सा सोफ़ा उस साइड है मैं इस साइड लाके रखूँगी। तो आप लोग शायद दीवार देख सकते हो पूरा सीमेंट गिरता है उधर से, पूरा बालू गिरता है दीवार से। तो ये काफ़ी पुराना घर है, जब मेरा हस्बैंड छोटे थे तब का घर है। तो इसी वजह से घर पुराना हो गया है और पूरा सीमेंट वगैरह धूल वगैरह गिरता है, आप लोग देख ही सकते हो। तो इधर मैं जब टेडी मिलाने लगी थी तो मेरा बेटा बोला मम्मी मैं मिलाऊंगा, तो इसी वजह से मेरा बेटा मिला रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए फिर वो टेडी मिला रहा है। तो मैं इधर झाड़ू लगा लेती हूँ, टेबल को साइड में कर लेती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और क्लीनिंग वाला ब्लॉग कैसा लगता है आप सभी लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो वो टेडी मिला के सो के टीवी देख रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो उस साइड मैं झाड़ू लगा ली हूँ, सोफ़ा भी उसी साइड रखूँगी। तो झाड़ू लगा ली हूँ तो सोफ़ा को मैं अभी खींच के उस साइड कोने में रखूँगी, और रखने के बाद अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, और जो दीवार जो ख़राब हो गया है वो भी छुप जाएगा। सोफ़ा उस साइड रख दूँगी। तो इधर आप लोग देख सकते हो मैं खींच के लेकर आई हूँ, और बहुत ही भारी सोफ़ा है, इसको नहीं उठा सकते हैं, तो इसलिए खींच खींच के मैं कोने में ला के रख दी हूँ। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ फ्रिज को साफ़ करने के लिए। आप लोग देख सकते हो कितना धूल जम गया है, काफ़ी दिन हो गया है हम लोग घर में नहीं थे, तो इसी वजह से धूल कितना जम गया है।
तो जब घर में रहते रोज़ रोज़ साफ़ सफाई तो होता ही है, तो अभी काफ़ी दिन हो गया था तो नहीं थे, तो इसी वजह से पूरा धूल जम गया है फ्रिज के ऊपर। तो अभी मैं साफ़ कर रही हूँ एक सूखा कपड़ा से, पहले मैं धूल को साफ़ कर लूँगी, उसके बाद कपड़ा को गीला करके फिर मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी, फ्रिज के ऊपर ऊपर साफ़ करूँगी, अंदर साफ़ नहीं करूँगी फ्रिज का। और जिस दिन मैं अंदर फ्रिज के अंदर साफ़ करूँगी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, आप लोगों को भी खाऊंगी। तो आज मैं सिर्फ ऊपर ऊपर साफ़ कर रही हूँ, जितना धूल जमा है सारे धूल को मैं साफ़ करूँगी। तो अभी थोड़ा सा कपड़ा को मैं गीला कर ली हूँ, तो अभी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर दी हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो ऊपर ऊपर साफ़ हो गई, फ्रिज के ऊपर ऊपर साफ़ कर ली हूँ। तो अभी मैं शोकेस के ऊपर भी जितना सामान था सारा सामान को हटा दी हूँ, तो इधर पे भी आप लोग देख सकते हो कितना धूल जम गया है। तो इधर पे भी मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, उसी गीला कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो घर पूरा धूल धूल हो गया था, गंदा हो गया था, तो आप लोग देख सकते हो शोकेस के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो कितना धूल जम गया है। तो रोज़ साफ़ करने से ही घर साफ़ होता है, तो हम लोग तो थे नहीं, तो इसी वजह से घर कितना गंदा हो गया आप लोग देख ही सकते हो। तो चलिए फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, तो फ्रिज को भी साफ़ कर दी हूँ ऊपर ऊपर, शोकेस को भी ऊपर ऊपर साफ़ कर दी हूँ। तो अभी झाड़ू लगाने बाकी था, झाड़ू लगाना, तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा गला बैठ गया है, आप लोग सुन सकते हो, वॉइस भी चेंज हो गया है। तो चलिए फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा वीडियो। तो झाड़ू लगा लेने के बाद अभी मैं पोछा लगाऊंगी, पोछा लगा लेने के बाद आप लोगों से मिलूंगी, थोड़ी देर बात करूंगी। तो चलिए फिर झाड़ू लगा लेती हूँ, तो आप लोगों के साथ बातें करते करते मैं झाड़ू भी लगा ली हूँ। तो सारा काम हो गया है, आंगन वगैरह झाड़ू लगा ली हूँ, सब कुछ झाड़ू लगा ली हूँ, सिर्फ मेरा बेडरूम बाकी था, हमारा बेडरूम झाड़ू लगाना बाकी था। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। झाड़ू लगा लेने के बाद अभी मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, तो इधर आप लोग देख सकते हो मैं पोछा लगा रही हूँ। तो चलिए फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। इधर आप लोग देख सकते हो पोछा लग गया है, पोछा लगा दी हूँ मैं, और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है और साफ़ सफाई हो गया है। तो मैं कल दोपहर को आई थी घर, तो ये है हमारा बेडरूम। तो मैं सोची क्यों ना आज बेडरूम क्लीन करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इधर आप लोग देख सकते हो ये हमारा बेडरूम है, तो इधर बेड को भी मैं अच्छे से मिला के रख दी हूँ, सेट करके रख दी हूँ, और टेडी वगैरह मेरा बाबू मेरा यानी कि मेरा बेटा मिला के रखा है। मैं मिलाने जा रही थी तो मेरा बेटा बोला मम्मी मैं मिलाऊंगा, तो मैं बोली ठीक है मिला लो, तो वो मिला के रखा है, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से मिला के रखा है। तो ये हमारा खिड़की है बेडरूम में, एक खिड़की है और सोफ़ा है। तो ये आप लोग दीवार देख सकते हो पूरा ख़राब हो गया, ये बहुत ही पुराना घर है, मेरा हस्बैंड जब छोटे थे तब का घर है, तो इसी वजह से दीवार पूरा ख़राब हो गया है, पूरा इसमें दीवार से पूरा सीमेंट छूटता है, बालू निकलता है, आप लोग देख सकते हो। तो इधर घर ही है, फ़ोटो वगैरह लगा के रखे हैं। तो ये है एक दरवाज़ा, ये अंदर वाला रूम का दरवाज़ा है, अंदर वाला रूम में मैं पूजा करती हूँ,
और कपड़ा वगैरह बक्से वगैरह अंदर वाले रूम में रखती हूँ। वो अभी पूरा गंदा पड़ा हुआ है, उसको मैं अच्छे से अभी साफ़ नहीं की हूँ, तो जिस दिन मैं साफ़ करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये है टीवी, तो ये है टीवी, आप लोग देख सकते हो। तो ये जो शोकेस है इसमें बर्तन वगैरह रखा हुआ है, तो ये धोना है, तो उतना साफ़ नहीं की हूँ, अंदर का है तो इसी वजह से साफ़ नहीं की हूँ, तो इसी वजह से उतना अच्छे से आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। आज जिस दिन मैं साफ़ करके अच्छे से सेट करके रखूँगी उसी दिन दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इधर जो ऊपर का जो शोकेस है, तो ऊपर का जो हिस्सा है पूरा बालू बालू हो गया था, गंदा हो गया था, गंदा जम गया था, तो मैंने पूरा साफ़ कर दिया, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा। तो ये है मेन डोर, हम लोग इसी डोर से अंदर आते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो ये है फ्रिज, तो फ्रिज हमारा बेडरूम में रहता है, क्योंकि इस वाले बोर्ड में इन्वर्टर वाला कनेक्शन नहीं है, इसी वजह से बेडरूम में रखे हैं फ्रिज को। किचन में इन्वर्टर कनेक्शन है, तो इसी वजह से किचन में नहीं रखे हैं फ्रिज को, तो डायरेक्ट इन्वर्टर कनेक्शन है, तो इस वाले बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए इधर रखे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो मैं बेडरूम क्लीन की हूँ क्लीन वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर भी कीजिएगा। हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को बेडरूम क्लीनिंग ज़रूर बताइएगा, पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा गाइस। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।